नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए एक रुमाल से हम तीन विंटर की ड्रेस बनाएंगे। पहले हम रुमाल को बीच से फोल्ड करके उसको सी टाइप में हम बीच से कट करेंगे ऊपर साइड से, और नीचे की साइड हम यहाँ पे सुई धागा से हम हाथ से पूरी लेस अटैच कर देंगे। और ये नीचे के लिए हम धागा से पूरा इसमें एक साथ लेके और हम इसको खींच देंगे तो ये कैप बन जाएगा। या फिर इसका दूसरा मेथड भी है, आप ऊपर से कट लगा के चारों तरफ से लेके खींच दीजिए तो भी कैप बन जाता है। और ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ इसको अटैच कर देंगे थोड़ा फैलाते हुए। जितने भी यहाँ पे पीछे की जगह है इसको भी हम यहाँ पे हम सुई से पूरा यहाँ पे हम सिल देंगे। पूरा इसको हमने सुई धागा से बनाया है, मशीन से नहीं यूज़ किया है। देखिए कैप बन गया। अब उल्टा करके हम यहाँ से दोनों ये खोले हुए जितने पोर्शन थे इसको हम यहाँ पर सिल देंगे पूरा। अब ये पोंचो टाइप का बन गया है। अब गले में हम यहाँ से पीछे तक हम लेस लगा देंगे। और आपके पास कोई भी डेकोरेटिव सामान हो पढ़ लो, वहाँ गले में लगा दीजिए। ये मैंने ईयर के लिए, ईयर कैप के लिए मैंने ये डोरी बनाई है यहाँ पे। इससे हम इसको टाई कर देंगे बीच से कट करके, और साइड साइड हम लेस लगा देंगे। नीड भी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, और अच्छा लगेगा लगा देंगे तो। ये देखिए बन के रेडी हो गया। अब गले में हम यहाँ पे हम, आप देखिए आपको ये बड़ा लग रहा है तो यहाँ पे हम पर्ल लगाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। खींचते हुए पर्ल लगाएंगे। पहले आप इसको नाप लीजिए, उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा टाई कीजिए। ये बन के रेडी हो गया, बहुत ही आसान है, सिंपल है। और इसके बाद जो बचे हुए कपड़े हैं उनसे भी हम लड्डू गोपाल जी के लिए हम पोशाक बनाएंगे। एक हमने 0 साइज के लिए बनाया हुआ है और दो हमने इन्हीं के लिए बनाया है, 3 से 4 लड्डू गोपाल जी के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। राधे राधे दोस्तों, आज मैंने कपड़े बनने वाला है तो उसमें देखते देखते बिंदी लगाई है, उसमें दादाजी सिर दी है तो उससे मंदिर रेडी हो रही है। तो उसमें ऐसे सिर दे तुम्हें बिंदी पीसी है, फिर उसको ऐसे डाल दिए तो फिर मंदिर रेडी हो रही है। अभी लड्डू पाजी तो पहनाया है अच्छे से, वो उन तो टाइट हो जाए तो उन तो बहुत ठंड रहती है, तो वो बार बैठी रही है तो उन तो ठंड नहीं रहती है। फिर मंदिर रेडी होते हैं, लड्डू पाजी तो पहना दिया है, तो रहते रहे जाना तो रहते थे ना, तो इसी अब इसी बनाया है तब इससे ऐसे ताट दिया है। हाँ भाई दादा, मुझसे ज़्यादा सेवाएं को पता रहता है वीडियो में क्या है क्या नहीं है। मैं इतनी बार रिकॉर्डिंग किया, 12 मुझे डिलीट करना पड़ा, बिना इसके बोले मेरा कोई वीडियो कंप्लीट नहीं होता है। अभी हम यहाँ पे दूसरे हम कपड़े बना रहे हैं, बी से सर्कल कट करके और किनारे किनारे ये रुमाल ने पाइपिंग रहती है वी शेप में, वहाँ से कट कर लेंगे तो बीच का नेक एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर हम कैप बना देंगे, छोटी सी कैप रहेगी, अलग से बना रहे हैं, आप इनको पहना सकते हैं। और वो बन के रेडी हो गया नीचे का फ्रॉक। आप इसमें पीछे साइड से कमर में दो लेस लगा रही है, डोरी का काम करेगा बांधने के लिए। ऐसे ही लेस हम इसमें भी लगा देंगे और नीचे साइड उस फ्रॉक में भी लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी के दूसरी पोशाक भी बन के रेडी हो गया है, ये देखिए उनकी कैप भी बन गई है। यहाँ भी हमें यहाँ लेस लगा देंगे चारों तरफ, ये पोशाक उनकी बन के रेडी हो गई है। और बीच में हम यहाँ से डोरी लगा देंगे, बांधने का काम आएगा। और पर्ल से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, ऑप्शनल है, करना हो आप कर दीजिए। बन के रेडी हो गया, ये देखिए कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी तो लड्डू भाई तो पहना दिया अच्छे से, अब कुछ तो डर लगी है तो वो बाड़ ऐसे नहीं है तो अंतर सन नहीं रहती है। अब मैं भी तो राय कर लिया, चलो तो राय कर लिया, अभी तो राय कर लिया, चलो तो राय कर लिया। अभी थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था, इससे हम 0 साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए पोंचो बना के रेडी करेंगे। उसी स्टेप में ये है, किनारे से स्लीव्स भी कट कर दिया है हल्का सा, और लेस लगा के पूरा वैसे ही हमने इसको रेडी कर दिया। देखिए एक रुमाल से तीन ड्रेस बन के रेडी हो गया विथ कैप। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा। थैंक यू, बाय बाय।